कुछ भी पीछे आ जाओ। डीजीपी दिलबाग सिंह जो है इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अभी अंदर जो है जाएंगे डीजीपी दिलबाग सिंह, यहाँ पर देख सकते हो पीछे दिखी अंदर नहीं जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से लोगों थोड़ा नीचे करो यार, और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है जो पिछले कुछ अच्छे से काम करता था, वो कहीं पाँव में कुछ थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसने जो है वो शार्पेस्ट वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की किसी कपड़े को तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताब ना लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हो, इस तरह की बात करें। कुछ रेलेवेंट क्ल्यूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था, और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी अग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाकया हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं, इसकी बाकी डिटेल जो हो तफ्तीश के साथ पता। सर, कुछ आतंकी संगठनों ने भी क्लेम किया है कि उन्होंने इस हत्याकांड को, जो तफ्तीशी संगठन हैं ये किसी भी चीज को बेशर्मी से उनप करने की इनकी एक कोशिश रहती है। इस तरह का कोई अभी तक क्ल्यू जहां पर नहीं है, उस इशू को फॉर द टाइम बीइंग तो हम रूल आउट करते हैं, मगर